हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले आप सबको रमज़ान मुबारक। तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ एक शाही टुकड़े की रेसिपी, जिसे हम डबल का मीठा भी बोलते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस और यमी रेसिपी बनती है। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स चाहिए। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए फुल क्रीम मिल्क, ब्रेड, वाइट ब्रेड, ग्रीन कार्डमन यानी कि ये छोटी इलायची, वाटर, घी और ऑयल में से आप कुछ भी ले सकते हैं, और सेफ्रन। सेफ्रन ऑप्शन है, आपके पास नहीं है तो रहने दीजिए। और ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद के रख सकते हैं। और हमें चाहिए कॉर्न स्टार्च। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ चाशनी। इसके लिए चाशनी के लिए मैं ले रही हूँ वन कप ऑफ शुगर, और मैं उसमें हाफ अ कप वाटर ऐड करूँगी अब। और इसमें मैंने 5 से 6 कूट के छोटी इलायची डाली है, और इसे हमने अब बॉईल होने के लिए रख दिया है। और ये हमारी चाशनी बन रही है। 2 से 3 बॉईल में हमारी चाशनी रेडी हो चुकी है। और मैंने अब इस चाशनी को छान के एक बर्तन में अलग से रख दिया है ठंडा होने के लिए। अब हम बनाएंगे रबड़ी। अब मेरा बनाने जा रही है रबड़ी। रबड़ी के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ करा है फुल क्रीम मिल्क, और उसमें डाली है मैंने 7 से 8 छोटी इलायची कूट के, और डाला है सेफ्रन, और मैं अब डाल रही हूँ शुगर। शुगर आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो हम इसको अब हमें इसमें 3 से 4 उबाल आने देने हैं अच्छी तरीके से। और जब भी उबाल आने के बाद आस किनारों में जो भी मलाई या क्रीम जमती है उसे हमें इस तरीके से हटा देना है। यहाँ पे हम बनाएंगे इंस्टेंट रबड़ी। तो हमें 4 से 5 उबाल आने तक फिर भी इसको अच्छे से दूध को पकाना है। और हम क्योंकि हम बना रहे हैं इंस्टेंट रबड़ी, तो हम यहाँ पे लेंगे 1 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च, जिसे मैंने डाल दिया है 7 से 8 टेबल स्पून मिल्क में, और अच्छे से मिला लिया है। और हमें बिल्कुल अच्छे से मिलाना है, बिल्कुल लम्स नहीं रहने चाहिए इसमें। और हम अब कॉर्न स्टार्च वाले मिल्क को अपनी रबड़ी में ऐड करेंगे धीरे धीरे, एक साथ में बिल्कुल ना डालें, धीरे धीरे ऐड करते हुए ऐसे इस मिल्क को ऐड करें अपनी रबड़ी में और अच्छे से मिला लें। और इसको ऐड करने के बाद भी हमें थोड़ी देर तक अपनी रबड़ी को पकाना है, और थोड़ी देर बाद हमारी रबड़ी ऐसी हो जाएगी। और ये हमारी रबड़ी रेडी हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने ड्राई फ्रूट्स में यहाँ पे बादाम और पिस्ता यूज़ करा है, आप चाहे तो कुछ भी ले सकते हैं। अब हम बनाएंगे, अब मैंने यहाँ पे ले रही हूँ ब्रेड। अब जिसका हमें अब यहाँ पे वाइट ब्रेड ही लें, ब्राउन ब्रेड ना लें, क्योंकि शाही टुकड़े का जो टेस्ट आता है वो वाइट ब्रेड में ही आता है। तो आप इसे किसी भी टाइप का शेप दे सकते हैं, मैंने यहाँ इसको स्क्वायर शेप दिया है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ, अब इसे हम एक पैन लेंगे, और अब मैं इसमें मैंने घी यूज़ करा है, आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, मगर इस जो रेसिपी है इसका जो मेन टेस्ट आता है वो घी में आता है। मैं यहाँ पर डीप फ्राई कर रही हूँ, आप चाहे तो शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। और इस तरह से डीप फ्राई करने के बाद हमने इसे जो हमने चाशनी बनाई थी उसमें इस तरह से इन ब्रेड्स को डिप कर देना है। इसी तरह से हमने मैं दूसरे बैच को भी फ्राई कर रही हूँ। और फ्राई करने के बाद हमें इस चाशनी में से निकाल के इन ब्रेड्स को एक बर्तन में रख देना है। तो मैंने सारी अपनी ब्रेड्स को फ्राई करने के बाद चाशनी में डालने के बाद इस तरीके से रख दिया था। और उसके बाद जो भी आपकी सर्विंग प्लेट है उसमें इस तरीके से ब्रेड को सजाने के बाद अपनी रबड़ी को इस तरह से डाल दीजिए, और फिर डेकोरेट कीजिए ड्राई फ्रूट से। और ये हमारे मैंने सारी ड्राई फ्रूट्स इसको डेकोरेट कर दिया। देखिए कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, ये ब्यूटीफुल तो लगी रही है, साथ में उतनी ही यमी थी। तो इसका पता आपको तब चलेगा जब आप इसे बनाएंगे। तो इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं, कैसी लगी आपको रेसिपी ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप और भी रेसिपी वीडियोज़ देखना चाह सकते हैं देखना चाहते हैं तो यू कैन चेक माई एवरी पेज शेफाली किचन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।